हेलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बायो मॉलिक्यूल को खत्म कर लिया था, नाउ उसके बाद एक और चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पीओसी मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक खत्म होगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक आएगा, सॉरी आपका इनऑर्गेनिक आएगा, उसके बाद हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मगअप करने वाले चैप्टर है। और साथ साथ में आपको 3-4 पेजेस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ब्लैंक छोड़ने, ताकि मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को लिखाऊंगा जो अभी तक तो नहीं पूछी गई है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका होता क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने से पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ध्यान से। कि देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताता हूं, आयोनिक कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन स्टोकियोमेट्री प्रोपोर्शन एंड फॉर्म्ड एडिशन कंपाउंड। मतलब जो आपके आयोनिक कंपाउंड है वो आपस में मिक्स हो जाओ होके आपका कुछ एडिशन कंपाउंड बनाएंगे, जैसे एग्जांपल KCl और MgCl2 और आपका 6H2O, ये आपस में मिक्स होगा तो यहाँ पर KCl, MgCl2 और 6H2O बनाएगा, इसका नाम क्या होगा? कार्नेलाइट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों? कार्नेलाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर बात कर लिया ये इसके बारे में KCN, 4KCN और यहाँ पर FeCl2, देखो दो आयोनिक कंपाउंड है ये आपस में मिक्स होंगे तो यहाँ पर इस टाइप का नाम बन के यहाँ पर आपका क्या किस टाइप का बन जाएगा? 4FeCN6। इसमें कुछ अलग टाइप का बना, इसमें कुछ अलग टाइप का बना, ध्यान से समझना। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो एक एक करके समझते बच्चों। यहां पर हम डबल सॉल्ट के बारे में, अब अगर मैं आपको डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान से समझना, डबल सॉल्ट का मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ ध्यान से, काफी ईजी है। तो इसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ बच्चों, KCl MgCl2.6H2O, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा इन एक्वस सॉल्यूशन तो यहाँ पर क्या जाएगा? K+ और Mg+2 और साथ में यहाँ पर 3Cl- और 6H2O, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो गया। जैसे मैंने बात किया FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 और यहाँ पर 24H2O, तो ये अगर अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fe+2 NH4+ 2NH4+ यहाँ पर SO4 2-। ठीक है, ये अपने आयनों में ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसका नाम होगा मोहर सोल्ट, जो कि आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में काफी काम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि डबल सोल्ट आपका कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू द आयोनिक बॉन्ड डबल सॉल्ट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस कंप्लीटली। मतलब डबल सोल्ट आपके आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, 100% डिसोसिएट होंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट की बात। अब दूसरे पॉइंट की बात कि यहां पर जो आपके जो आयंस होंगे वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को शो करेंगे। तो जो आयंस है तो ये आयंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों? आयंस कैन शो आइडेंटिटीज इन एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर डबल सॉल्ट हो गया।
अब यहां पर अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारा क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी अभी लिया था K4FeCN6, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बच्चों ध्यान रखना उसको, उसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर K4FeCN6, इसका मैंने एग्जांपल लिया K4FeCN6 का। अब देखो इसको अगर मैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूंगा, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करूंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर 4K+, यहां पर साथ में FeCN6 4-, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, नहीं हुआ, तो क्या बोल सकते, इट कैन नॉट डिसोसिएट इंटू आयंस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ तो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से समझना, क्या ये आपका ऐसी आइडेंटिटी बताएगा, नहीं बताएगा। सो आयंस कैन नॉट शो आइडेंटिटीज, आयंस आपके आइडेंटिटीज को शो नहीं करेगा। बात क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है। अब हम ध्यान से समझते हैं बच्चों यहां पर कि ये इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट हुआ है तो इन दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच होगा, यहां आपका आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ये आपका डिसोसिएट नहीं हुआ एक्वस सॉल्यूशन में। यहां कंप्लीटली आपका क्या, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बच्चों, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यहां पर भी कंप्लीटली आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये भी आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। जो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड उसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हम समझते हैं बच्चों कि ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में किस तरीके से। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे मेरे पास यहां पर मैंने लिख दिया K4FeCN6। अब देखो ये पूरा हमारा यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ना बना के मैं यहां पर बताता हूं बच्चों, ये हमारा कौन सा स्फीयर होगा, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो जो आयन आपके आयोनिक बॉन्ड से एसोसिएटेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मेटल आयन। और ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, लीगेंट। अब लीगेंट एक्चुअली में होता क्या है, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन। मतलब अब ध्यान से समझना, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करेगा तभी तो ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब यहां पर जो लिगेंट है वो अपना लोन पे डोनेट करेगा एफी को तो तभी तो ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लुईस बेस का काम क्या है, अपने लोन पेयर को डोनेट करना। वो क्या होता है बच्चों, लुईस बेस होता है। तो आई होप सो कि अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको चैप्टर को लेना है, बाहर वाले को काउंटर आयन और इसको इस तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं। अब हम इसमें बच्चों वो आगे लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। इसी तरीके से लिगेंड आपके लोन पेयर के डोनेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं, तो उसको अब हम समझते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, आगे हम लिगेंड के क्लासिफिकेशन को समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखते हैं लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड हमारा होता क्या है एक्चुअली में हमारा लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। हमारा लिगेंड यहाँ पर लिगेंड कई टाइप के होते हैं। ठीक है, लिगेंड आपके कई टाइप के होते हैं, कुछ एनायनिक होंगे, कुछ आपके पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, कुछ आपके नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के बेसिस पे लिगेंड का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझना, लिगेंड का क्लासिफिकेशन चार्ज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे आपके तीन टाइप के होंगे, एक होगा बच्चों कैटायनिक लिगेंड, एक होगा कैटायनिक लिगेंड। अब कैटायनिक लिगेंड आपका क्या होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर आपका क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड कौन कौन से लिख लो बच्चों, एनओ प्लस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसीलियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसीलियम आयन। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका ये आपका अपने आप कौन सा लिगेंड हो जाएगा बच्चों, ये आपका अपने आप यहाँ पर कैटायनिक लिगेंड आपका फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोसीलियम, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर NH2NH3+ हाइड्रोजीनियम, ये भी आपका आपका कौन सा होगा कैटायनिक लिगेंड, इस टाइप का होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनायनिक लिगेंड, तो एनायनिक लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, एनायनिक लिगेंड के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होगा, एनायनिक लिगेंड के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मैंने बात कर लिया यहाँ पर F- Cl- Br- और I- ये सारे के सारे लिगेंड, इसको सारा हैलोजन ही बोल देते हैं, इसको हम एक साथ क्या बोल देते हैं बच्चों हैलोजन, ठीक है। यह आपका होगा मतलब X-, ठीक है, या फिर आपका SO4-2-, या फिर CO3-, और भी हम लिगेंड के बारे में बोल सकते हैं यहाँ पर N3-, ये भी आपका लिगेंड हो जाएगा, ठीक है, और भी कई कई लिगेंड है बच्चों, इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। देखो O2-, ठीक है, OH-, ठीक है, साथ साथ आपका C2O4-, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे, जो आपके नेगेटिव चार्ज लिगेंड होंगे वो क्या होंगे एनायनिक लिगेंड, बात क्लियर है। अब कुछ लिगेंट आपके न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ लिगेंट आपके क्या होते हैं बच्चों न्यूट्रल भी होते हैं। सबसे पहले आप लिगेंट के टाइप को ध्यान से समझो, लिगेंट किस टाइप का है, कुछ लिगेंट आपका न्यूट्रल होंगे। अब न्यूट्रल लिगेंट में कौन कौन से होंगे, जिसके ऊपर किसी भी टाइप का आपका चार्ज नहीं होगा। अब जिसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब CO हो सकता है, NH3 हो सकता है, और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर PH3 लिख सकते हैं, या फिर PC6H5, ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड होंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिगेंड को मतलब क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है बच्चों, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, काफी ईजी है कि लिगेंड को किस तरीके से क्लासिफाई आप लोगों को करना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर लिगेंड को क्लासिफाई करना है। अब मैं बात करता हूं कि और भी लिगेंड होते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया डेंटिसिटी। अब यहां पर डेंटिसिटी आपका होता क्या है, डेंटिसिटी आपका होता क्या बच्चों, तो ध्यान से समझना, डेंटिसिटी आपका क्या होगा, डेंटिसिटी, अब इसको मैं दो तीन तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं डेंटिसिटी। अब देखो डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लोन पेयर विच कैन डोनेट टू मेटल आयन, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो, नंबर ऑफ लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर विच कैन डोनेट टू मेटल आयन, मतलब जो आपके मेटल आयन को नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने आपके मेटल आयन को नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करेगा वो आपका क्या होगा डेंटिसिटी, या फिर कई कई हम ऐसा ही पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड formed by ligand, मतलब ligand के थ्रू कितने coordination bond आपके form होंगे वो भी आपके क्या होंगे density, बस इतना ही है। अब देखो इसके हिसाब से, जो density के हिसाब से आपके
यहां पर लिगेंड को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखो मोनोडेंटेड 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 लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है कि एक ही लोन पेयर आपको डोनेट करेगा, ठीक है, केवल और केवल एक ही लोन पेयर। तो सिंगल लोन पेयर विच कैन डोनेट टू मेटल आयन दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड में आपका नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेशन, नंबर ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर कितना होगा, केवल एक ही होगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सिंपल, नंबर ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको मैं क्या बोलूंगा, वन, सिंगल होना चाहिए। कौन कौन से बच्चों, यहां पर एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, या फिर मैं लिख सकता हूं ओ एच माइनस, ओ टू माइनस, ठीक है, एन एच थ्री, यहां पर पी एच थ्री, यहां पर मैं लिख दिया पी एच थ्री, और यहां पर और मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं और भी लिख सकता हूं सीओ थ्री, यहां पर टू माइनस आ जाएगा, सीओ थ्री टू माइनस। इस तरीके से आपका यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर आपके डोनेट होंगे बेटा, इतना थोड़ा सा ध्यान रखो, काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। इस सब को ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, जो आपके एक भी करेगा। देखो यहां पर कार्बोनेट आपका यूनिडेंटेड भी होगा और मोनोडेंटेड भी होगा, और इस टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड, क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते बच्चों, यहां पर मैं आपको बताता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एक एक करके ध्यान से समझेंगे, फिर मुझे लिगेंड के आपको नाम भी थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, यहां पर ये तो हो गया मोनोडेंटेड। अब देखो अगला बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड आपका कौन कौन सा होगा बच्चों, ठीक है, जो आपके दो या दो से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करेंगे, मतलब C2O4 2-, ठीक है, ये भी आपका करेगा, ठीक है। यहां पर मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ EN, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल होंगे। अब देखो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको ऑक्सैलिक एसिड की तरह नहीं दिख रहा बच्चों, देखो ये आपका इस तरीके से दिख रहा है, ऑक्सैलिक एसिड बना दिया मैंने, ऑक्सैलिक एसिड बना दिया। अब देखो ये आपका यहां देगा, ये आपका मेटल आयन को दोनों तरफ से लिगेंड देगा, ठीक है, दो सेंटर होंगे, मतलब कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर लिगेंड टू डोनेशन का, क्योंकि यहां पर कितना सेंटर है बच्चों, दो सेंटर है। यहां पर जो लिगेंड का डोनेशन होगा बाय ओनली सिंगल सेंटर, मतलब एक सिंगल सेंटर से आपका लिगेंड का डोनेशन होगा, लेकिन यहां पर कितने सेंटर से हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पर दो सेंटर से आपके लिगेंड का डोनेशन हो रहा है। जब यहां पर दो सेंटर से आपके लिगेंड का डोनेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, ये आपका बाइडेंटेड, ठीक है। अब देखो यहां पर EN का एक और एग्जांपल दे देख सकते हैं बच्चों, हम यहां पर EN का दिखा देता हूं बच्चों आपको, CH2NH2। अब देखो यहां पर ये आपका, देखो ये आपको दो साइड से दो सेंटर है इसके पास मेटल आयन को डोनेट करने के लिए लिगेंट। अब यहां पर मेटल आयन को डोनेट करने के लिए लिगेंट के पास कितने सेंटर है बच्चों, दो सेंटर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, आपका बाइडेंटेड। इस तरीके से कई टाइप के आपके लिगेंट आपके हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं NH3 ने एक, यहां पर NH2 ने एक लोन पेयर दिया, यहां पर इस NH2 ने आपका एक लोन पेयर दिया, इसका नाम क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नाम भी तो थोड़ा सा यहीं पर ध्यान से समझो, इसको बोलेंगे ऑक्सलेट, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सलेट, इसको हम बोलेंगे ऑक्सलेट, और इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलीन, इथाइलीन, इथाइलीन डायमाइन, ठीक है, या फिर हम कई कई बार क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नेम के हिसाब से इथेन 1-2-डाइअमाइन। अगर मैंने 1-2 लगाया तो हम यहां इथाइलिन नहीं लिखेंगे, अगर सीधा लिखना है तो इथाइलिन डाइअमाइन लिखेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं कि आपका यहां पर एक और एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो GLY। अब देखो ग्लाइसिनेटो तो मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, ग्लाइसिनेटो को याद करने में हमें इतनी दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो GLY को याद कराने का सिंपल तरीका, देखो
आधा कंपाउंड इसका काट दूं और आधा उसका ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, GLY। इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी आपके मेटल आयन को डोनेट करेगा, ये भी आपके मेटल आयन को लोन पे डोनेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, GLY मतलब ग्लाइसिनेटो, ये आपका ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। बात क्लियर है, GLY इसको हम बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो इसका नाम हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड को समझना है, ठीक है। आई होप सो कि काफी क्लियर होगा, काफी क्लियर, काफी अच्छा, ठीक है। अब इस तरीके से आपका लिगेंड होता है। अब हम यहाँ पर बाइडेंटेड के अलावा पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में समझेंगे। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड आपका कौन कौन सा होगा, ध्यान से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, फिर मैं इसके नाम भी आपको याद लिखवाऊंगा तो उसको देख लेंगे। अब देखो बच्चों, हम समझते हैं अब क्लासिफिकेशन में पॉलीडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड में कौन कौन आएगा बच्चों, अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉलीडेंटेड में आपका ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इस टाइप के आपके लिगेंड आपके इसके अंदर आएंगे। तो जैसे ही आपके ट्राइडेंटेड लिगेंड आएगा तो इसका मतलब आप वो आपके कितने लोन पे डोनेट करेगा बच्चों, 3 लोन पे डोनेट करेगा। अब देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड में सबसे पहला एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल क्या होगा, डाइईन। अब डाइईन को समझ लेते हैं बच्चों, यहां पर डाइईन क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर मैंने यहां पर NH2CH2NH, देखो यहां पर आप NH2, यहां पर आपके कितने 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 तरफ से आपके मेटल को लिगेंड मिलेंगे बच्चों, लोन पेयर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ से, तो ये आपका कौन किसका एग्जांपल होगा बच्चों, ट्राइडेंटेड, जो आपके कितने लोन पेयर को डोनेट करेगा बच्चों, आपके 3 लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइडेंटेड। और इसमें कितने EN है, 2 EN है ना, 2 EN ग्रुप साथ में अटैच है, 2 EN ग्रुप आपका साथ में अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइईन, इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं बच्चों, डाइईन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है टेट्राडेंटेड। अब देखो टेट्राडेंटेड क्या होगा, टेट्राडेंटेड, अब देखो मैं अभी सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा उसको समझ लेना है, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। देखो टेट्राडेंटेड का एग्जांपल क्या होगा, ट्राइईन, मतलब मैंने डाई की जगह ट्राई कर दिया, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूं, बस आप समझो कि क्या एक्चुअली में चैप्टर के अंदर क्या है, सारे डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर NH2CH2CH NH CH2CH2 NH, ठीक है, CH2CH2 और यहां पर NH2, इस तरीके से आपके 4 सेंटर है मेटल आयन को लोन पे डोनेट करने की, कौन कौन से बच्चों, एक ये और एक ये, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 जगह से आपको मेटल आयन को क्या मिलेगा बच्चों, लोन पेयर मिलेगा। अब 4 जगह से मेटल आयन को लोन पेयर मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेड, सिंपल, नाम ही इसका काम है, इसका नाम इसका काम, बात बराबर, ठीक है, ज्यादा हमको सोचने वाली बात ही नहीं है, ये होगा टेट्राडेंटेड। अब इसी तरीके से हम यहां पर बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, पेंटाडेंटेड। अब देखो पेंटाडेंटेड लिगेंड का मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूं, अलग थोड़ा सा। पेंटाडेंटेड लिगेंड आपका क्या होगा, EDTA, काफी अच्छा है बच्चों, ये आपके वॉटर के अंदर हार्डनेस को निकालने के भी काम आता है, ठीक है, वॉटर के अंदर हार्डनेस को निकालने के भी काम आता है। यहां पर ये आपका 3-3 मतलब आप समझना ध्यान से, इथाइलिन इसका नाम, इथाइलिन डाई अमाइन मतलब ये आपका NS, इस टाइप से इथाइलिन डाई अमाइन मैंने बना दिया, ये एच, ये यहां पर देखो, अब यहां पर ट्राई एसिटेट मतलब CH2CO-, देखो यहां पर मैंने कितने ट्राई एसिटेट बना दिए, 3 एसिटेट बनाए, तो आपका क्या होगा, ट्राई एसिटेट, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटेट। और अगर आप ध्यान से देखोगे
तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर यहां से एक लोन पेयर, यहां से एक लोन पेयर, यहां से आपका एक लोन पेयर, और यहां से आपका एक लोन पेयर, और यहां से आपका एक लोन पेयर। टोटल कितने लोन पेयर मिल रहे हैं बच्चों मेटल आयन को? मेटल आयन को टोटल आपको यहां पर पांच लोन पेयर मिल रहे हैं। अब जब यहां पर पांच लोन पेयर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पेंटाडेंटेड लिगेंड। इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटाडेंटेड लिगेंड। थोड़ा सा ध्यान से समझना जी, जब अगर पांच मिलेगा तो पेंटाडेंटेड, दो मिलेगा तो बाइडेंटेड, तीन मिलेगा तो ट्राइडेंटेड, और चार मिलेगा तो टेट्राडेंटेड। अब देखो इसी में एक और वेरिएशन में आपको बताता हूं। देखो एक और आपका एग्जाम्पल यहां पर हेक्साडेंटेड लिगेंड का, ठीक है? ये तो बाइडेंटिसिटी हो गया, ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड का। तो मैं हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है? हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब देखो हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर अगर मैं बात करूं EDTA 4 माइनस, EDTA 4 माइनस, देखो चार्ज कहां से आया? एक दो तीन, जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर टोटल चार्ज होगा वो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। आप देखो EDTA 4 माइनस का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, यह आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो ये आपका इस तरफ से, ये आपका इस तरफ से, ये आपका यहां से, ये आपका यहां से, ये आपका यहां से, ये आपका यहां से, टोटल कितने? टोटल आपके छह लिगेंड को डोनेट, छह लोन पेयर इसके पास आया, तो इसीलिए ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा? हेक्साडेंटेड। इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन, लिख देता हूं नाम, आपको याद हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम हो जाएगा। अभी हम आगे चैप्टर में आगे चलते हुए बहुत सारे लिगेंड के बारे में समझेंगे, बहुत सारे लिगेंड के नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतने के लिए इतना काफी है। तो एक एक करके हमको यहाँ पर इसके टाइप्स को थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना है, ठीक है? थोड़ा सा हमको टाइप को ध्यान से समझना है, ठीक है? अब देखो यहां पर आप लोगों को समझना है कि इस तरीके से हमारा लिगेंट होता है, ठीक है? अब देखो ये आपका लिगेंट हो गया, अब ये आपका लिगेंट हो गया। अब देखो लिगेंट के नाम अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, हर जगह आपके लिगेंट के अलग अलग नाम होते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंट हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, मैं कुछ के नाम लिखाता हूँ, कुछ लिगेंड के नाम मैं लिखाऊंगा जो कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते टाइम आपके काम आएंगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सम लिगेंड्स, लिस्ट ऑफ सम लिगेंड्स। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर लिगेंड के नाम, ये यहां पर मैं लिखूंगा लिगेंड, यहां पर मैं लिखूंगा चार्ज, यहां पर मैं लिखूंगा उसका नेम, ठीक है? अब ध्यान से समझेंगे एक एक करके। अब देखो सी एक्स माइनस, एक्स माइनस, एक्स माइनस मतलब सी एल माइनस, एफ माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, उसको हम यहां पर चार्ज कितना होगा? माइनस वन, और उसको हम क्या बोलेंगे? हेलाइडो, हेलाइडो मतलब अगर क्लोरीन होगा तो क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, इस तरीके से हम इसका नाम बोलेंगे। आयोडीन होगा तो आयोडो, इस तरीके से हम यहाँ पर इसका नाम बोलेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको नाम बोलना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल इसमें लेता हूँ, सी एन माइनस होगा तो माइनस वन चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे? साइनाइडो, साइनाइडो, और कई कई बुकों में लिखा हुआ है साइनो, तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कई कई बुकों में लिखा है हेलो, यहाँ पर हेलो भी लिखा हुआ है, मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है? इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम क्या होगा? N3 माइनस का, 3 माइनस चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस 3 इसका चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। बस केवल एंड में क्या लगा रहा हूँ बच्चों, में डो डो लगा रहा हूँ, आयोडो आयोडो, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसका नाम क्या बोलेंगे? फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो, इस तरीके से हम इसके नाम बोल सकते हैं बच्चों। S2 माइनस, इसका कितना चार्ज है? 2 माइनस, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइडो, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइडो, इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फाइडो, ठीक है?
बस इस तरीके से हमको इसमें नोमेनक्लेचर देखना है बच्चों, नोमेनक्लेचर में काम आएंगे ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान होने चाहिए एक एक करके, ठीक है? तो इसको आप लोग ना नोट डाउन करो, मैं इसको रब करता हूँ। अगला मैं आपको बताता हूँ बच्चे एक एक करके। यहाँ पर अगला जिसके ऊपर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बात कर लिया CO3 2 माइनस लिगेंट है, 2 माइनस आपका चार्ज है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, कार्बोनेटो कार्बोनेटो, ठीक है? अब देखो SO4 2 माइनस, इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 माइनस चार्ज है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सल्फेटो सल्फेटो, ठीक है? जहां पर अगर मैंने यहां पर C2O4 2 माइनस ले लिया, 2 माइनस चार्ज है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सलेटो। देखो ये यहां पर ध्यान से समझना, ये आपका बाइडेंटेट है, ये आपका कौन सा डेंटेट है बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंट है, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर ये आपका बाइडेंटेट लिगेंट है, ठीक है? इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, NO3 -1, तो इसको हम बोलेंगे -1 चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो नाइट्राइटो। इस तरीके से हम यहां पर और भी नाम हम बोल सकते हैं बच्चों एक एक करके, नाइट्राइटो, ठीक है? और यहां पर अगर मैं बात करा, यहां पर मैं और भी एग्जाम्पल के बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहां पर बात किया आपका NO2 -1, -1 चार्ज है, नाइट्रेटो, ठीक है? और यहां पर और भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं बच्चों, और भी एग्जाम्पल जैसे CH3COO-1, तो -1 चार्ज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेटो, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेटो। तो इस तरीके से हम यहां पर इस तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है? अब इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एम्बिडेंटेड और भी क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको धीरे 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 करके एज एग्जाम्पल मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? बस इतने एग्जाम्पल को तो अभी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? तो एक एक करके ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया 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 होगा बच्चों। इसको आप लोग नोट डाउन करो, तब तो मैं इसको रब करता हूं एक करके ध्यान से। तो देखते हैं बच्चों ध्यान से, जैसे मैंने बात किया यहां पर लिगेंट और चार्ज, ठीक है? लिगेंट लिगेंट चार्ज एंड नेम, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, इसके नेम आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? नेम यहां पर आपके इतने इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम काम के आएंगे, ठीक है? अब देखो एक एक करके, देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, देखो यहां पर CH2 CH2 NH2 NH2, मतलब ये क्या हो गया बच्चों आपका EN, इसके ऊपर 0 चार्ज, और इसको हम क्या लिखेंगे, EN का मतलब इथाइलिन, ये मैंने लिखाया है इथाइलिन डाई अमाइन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको नाम लिखना है, ठीक है? अगर मैंने बात कर लिया यहाँ पर C6H5N, इसके ऊपर 0 चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, पिरिडीन, इसको हम क्या बोलेंगे, PY। PY का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका, अपने आप जल्दी बताओ, PY का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पिरिडीन। PY का मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पिरिडीन। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पिरिडीन का, ठीक है? नाउ एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, इसमें हम देखो C6H5 थ्राइस P, इसके ऊपर भी 0 चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ठीक है? अगर मैं इसके बाद भी बात करूं तो इसके बाद आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट है समझना है करके ध्यान से। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो इसके ऊपर भी 0 चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फीन फॉस्फीन, ठीक है? एक आपका इस तरीके से होता है बच्चों, ये आपका इस तरीके से यहां पर, ये आपका इस तरीके से होता है बच्चों, यहां पर पिरिडिन होता है, ठीक है? 2 पिरिडिन आपके जुड़ेंगे तो यहां पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? और ये क्या होगा, डाई पी वाई, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाई पिरिडीन। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका कितने डेंटेड लिगेंट है। अब मुझे एक एक करके बताओ ये आपका कितने डेंटेड होगा, 2 लोन पेयर मिलेगा तो ये आपका क्या होगा, बाइडेंटेड,
ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, बाइडेंटेड। यहां पर ये क्या होगा, यूनिडेंटेड, ये आपका यूनिडेंटेड क्योंकि एक ही लोन पर मिलेगा, ये आपका क्या होगा यूनिडेंटेड, ठीक है, ये आपका क्या होगा, यहां से दो मिलेंगे तो ये क्या क्या होगा बच्चों आपका बाइडेंटेड। बस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसके नेम, नेम अगर आपने ध्यान रख लिया तो आगे की पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड चैप्टर काफी इजी होने वाला है बच्चों, काफी ज्यादा इजी। अब देखो कुछ कुछ लिगेंड के नाम हमको अलग से लिखने होते हैं बच्चों, कुछ लिगेंड के नाम हमको अलग तरीके से हमको लिखने होते हैं, तो एक एक करके कुछ और लिगेंड्स के नाम हम देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, बाकी फिर इसको धीरे धीरे करके हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू और भी लिगेंड के नाम हम समझते जाएंगे, ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अब मैं बताता हूँ बच्चों आपको H2O, H2O पे चार्ज क्या है, जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे एक्वा, इसको हम क्या बोलेंगे एक्वा, ठीक है। CO, CO पे चार्ज कितना है, जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कार्बोनाइल, ठीक है। अब देखो यहां पर SO2, SO2 पे चार्ज कितना है, SO2 पे चार्ज कितना है, अब इसका नाम आप लोग खुद बता सकते हो, SO2 पे नाम, SO2 पे चार्ज कितना है बच्चों, SO2 पे चार्ज कितना है, अगर आपने वो बता दिया तो अपने आप आपको नाम आ जाएगा, जल्दी से बताओ, SO2 पे चार्ज आपका जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे सल्फोनाइल, ठीक है सल्फोनाइल, बात क्लियर है। अब देखो NH3, NH3 देखो ध्यान से समझना बच्चों, NH3 के लिए जीरो, अब देखो पहले वाले जो NH2 थे उसमें मैं एक M लगाता था, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा अमाइन, इसका नाम क्या होगा अमाइन, इसका नाम क्या होगा अमाइन, ध्यान से समझना इसका नाम क्या होगा अमाइन, नॉट एमाइन, ध्यान से समझ लेना नॉट एमाइन, क्या नाम होगा इसका अमाइन, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ठीक है, और भी नाम हो सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब देखो एनओ को हम क्या बोलेंगे, एनओ को, एनओ का नाम होगा हमारा जीरो चार्ज नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। अब मैं इसमें बात करता हूँ एनओ प्लस, अब आप लोग बताओ एनओ प्लस का चार्ज प्लस वन इसका चार्ज है, तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे यहां पर नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसीलियम, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर एक और मैं बता देता हूं यहीं पर, अगर मेरे पास यहां पर एनओ टू प्लस वन है तो प्लस वन चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे नाइट्रोलियम, ठीक है नाइट्रोलियम, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका नाइट्रोलियम नहीं सॉरी, यहां पर इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, क्या नाम हो जाएगा नाइट्रोनियम, इस तरीके से इसके नाम आपके हो जाते हैं, कुछ और भी अलग अलग है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसके नाम, ठीक है। एक और नाम है बच्चों देखो ध्यान से एक और नाम है बच्चों, एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक दो तीन और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ध्यान रखना बच्चों, OH -1, इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, और O2 माइनस को -2 चार्ज तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सो, अगर ये पेरोक्साइड होगा, अगर ये आपका पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड का मतलब O2 टू माइनस होगा तो चार्ज आपका -2 तो इसको क्या बोलेंगे परऑक्सो, अगर ये आपका सुपर ऑक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड होगा, अगर ये आपका सुपर ऑक्साइड होगा तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा टू माइनस वन, अगर ये आपका यहां पर सुपर ऑक्साइड हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा सुपर ऑक्सो। इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ लिगेंड के नाम आपको बताए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इसके क्या, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, मेटल आयन पे क्या निकालना सीखेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और हम जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो मेटल आयन के नाम के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो अभी तो केवल चार्ज की रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने चार्ज के साथ साथ आपको नाम लिखा दिए, नाम की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, नाम तो नाम की रिक्वायरमेंट कब होगी जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको लिखाऊंगा, लेकिन चार्ज की रिक्वायरमेंट अभी है इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिगेंड पहले ही लिखा दिए, ठीक है। अब नाम के लिए तो बच्चों मैं आपको इजिली एक दो मेथड बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।